गुड मॉर्निंग गाइज, अभी मैं हूँ ले के नूर गेस्ट हाउस में और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ मनाली के लिए। और सबों ने यहाँ पे बताया है कि मनाली का रोड बहुत ही डेंजरस है, फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ का पूरा रोड ही डेंजरस है, चाहे कश्मीर से हो या फिर मनाली से हो। बॉटल में भी भरना है, हो जाएगा? बॉटल निकाल, बॉटल बॉटल में पानी, थैंक यू पानी, साथ में बाहर देगा ना, फिर निकालो पानी, निकालो ठीक है। अभी हम यहाँ पे 30,000 फीट के ऊपर हैं, हाई एल्टीट्यूड पे, और यहाँ पे हवा तो बहुत तेज़ है, लेकिन गाड़ी भी तेज़ नहीं चल रही है, क्योंकि इसे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है स्पीड चलने के लिए। इसे भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और हमें भी ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे वर्कआउट कर लेते हैं, थोड़ा सा चल लेते हैं, थोड़ा कुछ हार्डवर्क भी कर लेते हैं ना, हार्डवर्क तो नहीं, हल्का सा भी कुछ काम कर लेते हैं, तो ऐसे बिल्कुल सांस फूलने सा लगता है, हवा नहीं आती बिल्कुल भी, ऑक्सीजन नहीं आती। तो यहाँ पे हम रेस्ट ले लेके चल रहे हैं और लंबी सांस लेके इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। ठंड इतनी है, हाथ पैर गलाने वाली ठंड है, और अब सिर्फ हेलमेट से काम नहीं चल रहा है, अब कैप की भी ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है और ऑक्सीजन की भी इधर कमी है। और अब मैं हो गया हूँ पैक, होपफुली इस आइसबर्ग को पार कर लेंगे। सरचू पहुंचते तक रात हो चुकी थी और रात को इतना ख़तरनाक रास्ता था कि मैं बता नहीं सकता हूं, और लाइट इतनी नहीं थी कि हम रिकॉर्ड कर सकें, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था और रास्ते में ही हम फंस गए थे। और यहां तक सरचू तक आते हुए, इस जगह पे आते हुए हमें रात को 10 बज चुके थे और बहुत काफ़ी ठंड थी। फिर हमने रात को यहीं पर खाना खाया और यहीं पर स्टे किया। सरचू से मनाली के ओर जाते वक्त मैं यहाँ पे रुका था और ये भाई लोगों ने चाय ऑफ़र किया था, और ठंड इतनी थी, इतनी काफ़ी ठंड थी कि मैं इस ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं कर पाया। चाय का ऑफ़र जब मिला तो फिर इन्होंने बोला कि हमने आपके लिए खाना भी बनाया और आप यहाँ से खाना खा के ज़रूर जाएं।
तो हम लोग रुक गए और इन लोगों के साथ एंजॉय करने लग गए और बहुत ही मज़ा आया। सही बताऊं तो ट्रैवल का यही मज़ा है, जब अननोन पर्सन से मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, उनके कल्चर के बारे जानते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं ट्रैवल के दौरान जो हमें नहीं पता होता है, और फन और एडवेंचर का एक एक्सट्रीम लेवल होता है। इस वक्त मैं मनाली से करीब 100 किलोमीटर दूर हूं और अभी यहां पे पेट्रोल बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है और हम सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसे पहुंचेंगे, जो भी एक्स्ट्रा फ्यूल था हमारे पास वो ख़त्म हो चुकी है अब तक। केलोंग पेट्रोल पंप तक आते आते सारा पेट्रोल ख़त्म हो चुका था, रिजर्व भी ख़त्म हो चुका था, ऑलमोस्ट बंद होने वाला ही था बाइक कि पेट्रोल पंप मिल गया फाइनली।
मारगी कालू लन भी पैना कालू टटे भी पैने तेरी फुट बड़ी है तेरे लन भी पैना